हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा प्रोग्रामिंग के इस सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर हम कंटिन्यू करेंगे आज मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ थ्रेड के बारे में हमने बात की थी, राइट। प्रोसेस बेस्ड मल्टी टास्किंग, थ्रेड बेस्ड मल्टी टास्किंग क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, हैवी वेट मल्टी टास्किंग, लाइट वेट मल्टी टास्किंग में क्या डिफरेंस होता है, इन सारे कॉन्सेप्ट को हमने हमारे प्रीवियस सेशन में समझा था। लेकिन अब यहां पर हम ये बात करते हैं, एंड मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बात कही थी, देखिए आगे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मल्टी थ्रेडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर इंटरव्यू रूम। मतलब मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए हैं, लाइक थ्रेड क्या होती है, राइट, सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्लिप मेथड क्या है, सस्पेंड मेथड, रिज्यूम मेथड, एंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको यहां पर समझना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड असाइनमेंट, क्विजेज हैं, प्लेसमेंट रेडी आपको क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको हमारे टेक विद्वान के प्लेसमेंट रेडी कोर्स में मिलने वाले हैं। तो बिलीव मी, वहां पर हमने इस पूरे टॉपिक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और हर टॉपिक से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस की हमने वहां पे बात की है। तो उस पूरे कोर्स को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मल्टी थ्रेडिंग से इंटरव्यू कैसे निकाला जाए, राइट, किस तरीके के क्वेश्चन मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड पूछे गए हैं। द कंपनीज लाइक TCS, द कंपनीज लाइक Infosys, the companies like Accenture, Google, and बहुत important topic यार, believe me, मेरा हमेशा ये मानना है कि exception handling और multi threading ये दो ऐसे topic हैं जिनके बिना आपके interview खत्म नहीं होता है। ये मेरी लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं आपको कि आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ 22 इयर्स में यहां पर ये बातें आपसे कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इतने सालों में ये चीज देखी है कि जावा के हर इंटरव्यू में मल्टी थ्रेडिंग पूछा ही गया है। इसलिए आपको इसको इंटरव्यू लेवल तक रेडी अगर करना है और अपने आप को कॉर्पोरेट के लिए रेडी करना है तो हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स को आप जरूर एक बार देखिएगा। तो यहां पर आप देखिए, फिलहाल तो मैं बात करता हूं कि मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, लेकिन अब यहां पर बात है कि सर जावा में अगर मुझे थ्रेड क्रिएशन करना है, कि यदि मैं चाहता हूं कि मुझे थ्रेड क्रिएट करके जावा में कोड लिखना है, तो हाउ वी कैन क्रिएट द थ्रेड इन जावा, राइट। तो यहां पर भी आप समझिए कि दो तरीके की थ्रेडिंग पे हम बात करते हैं, एक पैरेंट थ्रेड और एक चाइल्ड थ्रेड। हम हमेशा ये बोलते हैं मेन इन जावा इज अ पैरेंट थ्रेड, जावा में मेन हमेशा पैरेंट थ्रेड होती है। आज तक हम मेन को बोलते थे इट इज अ मेथड, बट एक्चुअली मेन इन जावा इज अ थ्रेड। तो मेन एक थ्रेड है, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो यहां पर आपको देखिए, यदि आप जावा में मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंटेशन चाह रहे हैं, ठीक है, मेन थ्रेड कैसे है ये तो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी। लेकिन यदि आपको लगता है कि किसी लाइन ऑफ कोड को आपको थ्रेडेड फॉर्म में एग्जीक्यूट करना है, तो जब भी हमें जावा में मल्टी थ्रेडिंग को अचीव करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, राइट, कि या तो हम थ्रेड अचीव के लिए अपनी क्लास को एक्सटेंड करेंगे थ्रेड क्लास से, मतलब देयर इज अ क्लास इन जावा कॉल्ड थ्रेड क्लास, राइट। तो या तो मैं अपनी क्लास को थ्रेड क्लास से एक्सटेंड करूं, ठीक है, और या फिर मैं अपनी क्लास को इंप्लीमेंट कर सकता हूं रनेबल इंटरफेस से। मतलब जावा में दो ऑप्शन है थ्रेड क्रिएशन के, इंप्लीमेंट योर क्लास विद रनेबल इंटरफेस और एक्सटेंड योर क्लास विद थ्रेड क्लास। अब दो क्यों है, क्योंकि जावा में अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग का कोड लिखना है तो यू हैव टू राइट योर कोड इन अ मेथड, आपको अपना कोड एक स्पेसिफिक मेथड में लिखना पड़ेगा और उस मेथड का नाम है रन मेथड, जो कि आपके लिए थ्रेड क्लास में भी अवेलेबल है और जो आपके लिए रनेबल इंटरफेस में भी अवेलेबल है, राइट। तो अब क्वेश्चन यह भी आता है कि विच इज द बेस्ट ऑप्शन टू क्रिएट अ थ्रेड, to extend the class with thread class or to implement the क्लास विद रनेबल इंटरफेस। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में हम लोगों ने बताया है, राइट, कि थ्रेड क्लास से एक्सटेंड करके थ्रेड बनाना ज्यादा बेटर ऑप्शन है या रनेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंट करके। मैं आपको दोनों बता दूंगा, डोंट वरी, यहां पर भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, राइट। तो आप देखिए, पहली स्टेप में आप ये समझिए कि आपको जो भी मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड कोड लिखना है दैट कंपल्सरी यू हैव टू राइट इनसाइड दिस रन मेथड, क्योंकि जावा केवल रन मेथड में लिखे गए कोड को ही थ्रेड मानता है। तो यदि आपका प्रोग्राम को आपको मल्टीपल थ्रेड में डिवाइड करना है तो यू हैव टू राइट योर कोड इन रन मेथड, और ये रन मेथड आपको अपनी नहीं लिखना है। आपने बोला सर रन मेथड में कोड लिखना है तो मैं अपनी रन मेथड लिख सकता हूं क्या, राइट, बिल्कुल नहीं। यू हैव टू राइट योर कोड इन द रन मेथड इधर बाय एक्सटेंडेड द थ्रेड क्लास और बाय इंप्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। पहली स्टेप में हम अभी थ्रेड क्लास से एक्सटेंड करके रन मेथड को किस तरीके से लिखना है और अपना थ्रेडिंग का कोड लिखना कैसे है पहले वो बात करते हैं, फिर ये बात करेंगे कि उस कोड को हम किस तरीके से एग्जीक्यूशन करेंगे, राइट। लेकिन इस पूरी प्रोसेस के लिए आप समझिए, आपको सबसे पहली स्टेप में समझना पड़ेगी थ्रेड के लाइफ साइकिल,
कि ये तो हमने समझ लिया कि थ्रेड बनेगी कैसे, दो ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या है, कैसे थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करती है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो टॉप मोस्ट एमएनसी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द थ्रेड लाइफ साइकिल, राइट। तो थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होती है, देखिए आप थ्रेड लाइफ साइकिल में सबसे पहली स्टेप होती है न्यू बोर्न स्टेट। न्यू बोर्न स्टेट का मतलब है क्रिएशन ऑफ अ थ्रेड, कि अभी आप अपने थ्रेड को क्रिएट कर रहे हैं, कि पहली स्टेप में आपको अपनी थ्रेड को बनाना है, राइट। आफ्टर न्यूबोर्न स्टेट सेकंड स्टेप होती है रनेबल, ठीक है, रनेबल स्टेट, राइट। रनेबल स्टेट का मतलब योर थ्रेड इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन बट इट इज नॉट येट स्टार्ट, राइट। तो न्यूबोर्न स्टेट पहली स्टेप होगी रनेबल स्टेट, तीसरी स्टेप होती है रनिंग। रनिंग मतलब और जहां पर आपकी थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी, मतलब आउटपुट आपको उस थ्रेड का मिलेगा जो रनिंग स्टेट में। रनेबल में थ्रेड का मतलब है आपकी थ्रेड वेटिंग स्टेट में है, कि आपकी थ्रेड इज वेट, राइट। और ये ध्यान रखिए रनिंग स्टेट में एक बार में एक ही थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगी, तो वो थ्रेड जो रनिंग में है आउटपुट आपको उसका दिखेगा, राइट। और फिर एक स्टेप होती है जिसको अपन बोलते हैं वेटिंग स्टेट, राइट, मतलब जिसको हम बोलते हैं हॉल्ट, ठीक है, हॉल्ट मतलब वेटिंग स्टेट। रनेबल और वेट इसमें डिफरेंस है, रनेबल मतलब यार थ्रेड इज वेटिंग के, अभी वेट कर रहा है कि वो जैसे ही नंबर आएगा वैसे वो रनिंग में जाएगा, इसके बाद हम इसको बोलते हैं हॉल्ट स्टेट। हॉल्ट मतलब आपने अपनी थ्रेड को थोड़ी देर के लिए हॉल्ट कर दिया है, राइट। एंड देन फाइनली आपकी स्टेप होगी डेड स्टेट, ये होती है थ्रेड की लाइफ साइकिल, राइट। तो एक थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन इस तरीके से परफॉर्म करती है, आप समझिए, सबसे पहले थ्रेड आएगी न्यूबोर्न स्टेट में, न्यूबोर्न से रनेबल स्टेट में, रनेबल से रनिंग में, रनिंग से हॉल्ट में, और फिर हॉल्ट से वापस रनेबल में, रनिंग में, एंड आफ्टर कंप्लीशन द टास्क थ्रेड मूव टू द डेड स्टेट। तो ये होती है थ्रेड की लाइफ साइकिल, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें रनेबल स्टेट क्या है समझ में आया, न्यूबोर्न स्टेट क्या है समझ में आया, राइट। लेकिन अब चलिए, अब मुझे सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, थ्रेड को क्रिएट करना है। और अभी हम एक सिंपल से एग्जांपल से बात करेंगे कि मुझे एक थ्रेड बनानी है जिससे मुझे आउटपुट में कुछ सीरीज प्रिंट करना है, दो अलग अलग थ्रेड बना के हम देख लेंगे, डोंट वरी, राइट। तो पहली स्टेप में मुझे थ्रेड को क्रिएट करना है, राइट। और आप समझिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी यह बात बोली है कि मेन इन जावा इज ऑलरेडी अ थ्रेड, जावा में मेन एक पेरेंट थ्रेड है आपके पास, राइट। तो यहां पर आप समझिए कि जब आपकी थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी तो सबसे पहले जो थ्रेड रनिंग में आएगी वो होगी आपकी मेन थ्रेड, सबसे पहले एग्जीक्यूशन में आती है मेन थ्रेड। उसके बाद जब मेन को अगर आपने हॉल्ट मोड में रोका तब आपकी थ्रेड रनिंग में आएगी, क्योंकि रनिंग में एक बार में एक ही थ्रेड रहती है। तो मेन वो थ्रेड है जिसको हम बोलते हैं पेरेंट थ्रेड इन जावा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई मेन इन जावा इज कॉल्ड अ पेरेंट थ्रेड। मैंने आपको कहा ना, इससे इंपल्स ऑफ क्वेश्चन है जो आपको हमारे प्रीमियम कोर्स में मिलने वाला है कि व्हाई मेन इज कॉल्ड अ पेरेंट थ्रेड इन जावा, बिकॉज मेन इज अ थ्रेड वो स्टार्ट देयर एग्जीक्यूशन फर्स्ट एंड मेन इज अ थ्रेड वो एंड देयर एग्जीक्यूशन लास्ट, दैट इज द रीजन व्हाई मेन इज कॉल्ड अ पेरेंट थ्रेड। और जितनी भी चाइल्ड थ्रेड है वो सब मेन के अंडर में अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करती है, इसीलिए हम जावा में मेन को कहते हैं इट इज अ पेरेंट थ्रेड इन जावा। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं। अब आप देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बॉस यदि मुझे थ्रेड बनानी है तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी क्लास को यहां पर मैंने बोला माय थ्रेड, अभी अपनी थ्रेड बना रहा हूं तो मैंने अपनी क्लास को एक्सटेंड किया है किससे, थ्रेड क्लास से। दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट द थ्रेड, राइट। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं थ्रेड क्रिएशन किस तरीके से होगा। और आप देखिए, ये जो थ्रेड क्लास है इसमें केवल रन मेथड ही नहीं है, देर आर लॉट ऑफ मेथड लाइक सस्पेंड मेथड है, रिज्यूम मेथड है, स्लिप मेथड है, ठीक है। इसके अलावा गेट नेम, सेट नेम, करेंट थ्रेड मेथड, सेट प्रायोरिटी, गेट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ऑफ अ थ्रेड, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रायोरिटी ऑफ अ थ्रेड, ठीक है, हाउ टू सेट द नेम ऑफ अ थ्रेड, इस तरीके के बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको हमारे कोर्स में मिलने वाले हैं। तो मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल के साथ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है और इसको क्यों यूज किया जाता है। लेकिन इसके बारे में अगर आपको डिटेल डाइव लगानी है तो यार बॉस बिना सोचे आप बिल्कुल उस कोर्स को देखिए जो कि टेक विद्वान की साइट पे आपके लिए प्लेसमेंट रेडी कोर्स अवेलेबल है, जिसमें इस पूरे टॉपिक को नियर अबाउट 15 लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहां पर आपको समझ में आएगा मल्टी थ्रेडिंग की डीप डाइविंग क्या होती है। ओके, तो माय थ्रेड जिसको हमने एक्सटेंड किया है थ्रेड क्लास से, अब मैंने इसमें कौन सी मेथड ओवरराइड की है, रन मेथड। ये देखिए आप, ये मैंने लिखा पब्लिक वॉइड रन। ओके, अब इस रन मेथड में मुझे थ्रेड फॉर्म में क्या कोड लिखना है, मैं चाहता हूं मुझे एक एक सेकेंड में अपना आउटपुट प्रिंट करना है, कि हर एक आउटपुट के बाद मुझे एक सेकेंड का ब्रेक देना है। ओके, मतलब ये मेरी थ्रेड का एग्जीक्यूशन। तो आपने क्या किया, यहां पर मैंने लिखा फॉर इंटीजर I equals to 1, I less than or equal to 10, and this is I++, right? और यहां पर सिंपली हमने क्या लिख दिया, थ्रेड
system.out.println i, ये मैंने i को प्रिंट कर दिया। अब क्वेश्चन ये सर, आपने बोला था थ्रेड अगर है तो हम थ्रेड को हॉल्ट मोड में लेके जा सकते हैं, मतलब जैसे ये थ्रेड रनिंग में आएगी मैं चाहता हूं एक सेकंड के लिए ए वन प्रिंट करके, एक एक लूप का एक एक वैल्यू प्रिंट करके ये थ्रेड एक सेकंड के लिए हॉल्ट मोड में जाए। तो थ्रेड को हॉल्ट मोड में लेके कैसे जाएंगे, राइट? हाउ योर थ्रेड विल मूव टू द हॉल्ट मोड, कि आपके थ्रेड को आप हॉल्ट मोड में कैसे लेके जाएंगे। तो यदि इस थ्रेड को आपको हॉल्ट मोड में लेके जाना है तो यहां पर वी हैव अ मेथड कॉल्ड थ्रेड डॉट स्लिप मेथड। ये जो स्लिप मेथड है दिस इज एन स्टैटिक मेथड ऑफ थ्रेड क्लास, ये थ्रेड क्लास की स्टैटिक मेथड है, इसीलिए मैं क्लास के नाम के साथ कॉल कर रहा हूं। और ये स्लिप मेथड आपसे क्या मांगेगी, टाइम, कि आपको कितनी देर के लिए अपनी थ्रेड को हॉल्ट मोड में रखना है। और ये जो टाइम आप देंगे दैट इज अ मिलीसेकंड, तो 1000 मिलीसेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, थ्रेड डॉट स्लिप 1000। लेकिन आप देखिए, अगर आपको याद हो एक्सेप्शन के टाइम भी मैंने ये बात बोली थी कि देर आर सम मेथड इन जावा वो थ्रोज अ कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, और ये स्लिप उसी में से एक मेथड है, ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन थ्रो करेगी इंटरप्टेड एक्सेप्शन। दैट्स व्हाई द रीजन कंपलसरी मुझे इस स्लिप के पहले यहां पर लिखना है ट्राई और कैच, ठीक है, ट्राई कैच, और यहां पर मुझे इसको हैंडल करना है इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का नाम ई एंड देन हैंडल दिस। तो ये आपने क्या किया, ये हमने हमारी थ्रेड बना ली है, दिस इज हाउ आई क्रिएटेड माय थ्रेड, कि मेरी थ्रेड को मैंने क्रिएट कर लिया, क्या किया, थ्रेड को एक्सटेंड किया, माय थ्रेड को एक्सटेंड किया थ्रेड क्लास से, रन मेथड को ओवरराइड कर दिया। अब चलिए थ्रेड बन गई, मतलब आप कौन सी स्टेट में है अभी, न्यूबोर्न। अब इस थ्रेड को क्या करना है, रनेबल स्टेट में लेके लाना है, रनेबल से कहां लाना है, रनिंग में। अब ये सारा काम हम करेंगे मेन थ्रेड में, कि थ्रेड बनाने के बाद उस थ्रेड को प्रोसेस करने का काम हम हमेशा कहां पे करते हैं, मेन में। तो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे पता है मेन ही सीधे रनिंग में आने वाला है, तो ये तो आपने थ्रेड बना ली है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में नाउ वी आर गोइंग टू राइट द मेन मेथड। तो ये लिखा क्लास टेस्ट, इस क्लास टेस्ट में हमने लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस, तो हमेशा हम लिखते ही हैं, चलो यार लिख देता हूं, नहीं तो आप भी लाइन खींच दोगे, है ना। अब इस मेन में मुझे क्या करना है, मुझे पता है यार जब ये लाइफ साइकिल होगी ना तो सबसे पहले मेन रनिंग में आएगी, और आपको मेन के पहले अपने थ्रेड को रनेबल में लेके आना है। तो अपने थ्रेड को रनेबल में कैसे लेके आएंगे, तो यहां पर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा माय थ्रेड क्लास का। तो ये मैंने लिखा माय थ्रेड एम वन इक्वल टू न्यू माय थ्रेड, ये मैंने अपनी क्लास का बना लिया ऑब्जेक्ट, कौन सी क्लास का, जिसको मैंने थ्रेड बनाया है, राइट। अब आप देखिए मेरी क्लास ऑलरेडी एक्सटेंडेड है थ्रेड क्लास से, दैट मींस ऑल द मेथड ऑफ थ्रेड क्लास बिकम द मेंबर ऑफ माय थ्रेड क्लास। अब देखो दो क्लासेस हैं, एक मेन, एक टेस्ट जिसमें मेन है, और एक माय थ्रेड जिसमें रन मेथड है। रन मेथड में लिखा गया कोड भी थ्रेड है और मेन में लिखा गया कोड भी थ्रेड है, लेकिन दोनों में से रनिंग में कौन आएगी, मेन। तो जब मेन रनिंग में आएगी तो आपने बोला पहले मेरी थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना के इसको रनेबल मोड में शिफ्ट कर दो, तो आपने आपकी थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना लिया M1। अब इसको रनेबल मोड में कैसे लेके आएंगे, तो इसका मतलब है मुझे अपनी थ्रेड को स्टार्ट करना है, आई वांट टू स्टार्ट माय थ्रेड, सो देयर इज अ मेथड कॉल्ड स्टार्ट मेथड, जो कि एक्चुअली थ्रेड क्लास की मेथड है, लेकिन मैंने उसको कॉल किया माय थ्रेड से, क्यों, बिकॉज माय थ्रेड इज ऑलरेडी एक्सटेंडेड बाय थ्रेड क्लास। तो यहां पर हमने लिखा M1 डॉट स्टार्ट, तो जैसे ही आपने लिखा m1.start यहां पर आपका प्रोग्राम क्या करेगा, आपकी थ्रेड को उठा के कहां शिफ्ट कर देगा, ये जो आपकी थ्रेड है इसको उठा के शिफ्ट कर देगा रनेबल में, ये आ गई आपकी थ्रेड रनेबल में, लेकिन अभी रनिंग में कौन है, मेन। अब आपको क्या करना है, मेन को ये बोलना है कि बॉस अब आप थोड़ी देर के लिए रुकना है आपको, राइट। लेकिन आप सुनो ध्यान से, यहां पर जैसे ही आप मेन को क्लोज करेंगे, है ना, मैंने आपको क्या कहा था, मेन इन जावा इज अ पैरेंट थ्रेड, तो मेन अपना एग्जीक्यूशन तब तक कंप्लीट नहीं करता है जब तक कि बाकी थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर ले। यहां पर क्या होगा, जैसे ही मेन का क्लोजिंग आएगा, है ना, मेन क्लोजिंग पे आ गया, लेकिन जब मेन क्लोजिंग पे आएगा तो वो ये सबसे पहले चेक करेगा, क्योंकि एक चीज ध्यान से सुनना, मेन खत्म मतलब एप्लीकेशन खत्म, लेकिन क्या हुआ जब मेन ने अपना एग्जीक्यूशन शुरू किया, यहां पर आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मेन स्टार्ट, ठीक है, मेन स्टार्ट, तो मेन स्टार्ट हुआ, फिर आपने अपनी थ्रेड को स्टार्ट किया, लेकिन इसके बाद ये मेन क्लोज हो रहा है ना, लेकिन मेन क्लोजिंग के पहले ये देखेगा इस साइकिल में जाके कि यार कोई थ्रेड बची है क्या जिसका एग्जीक्यूशन होना है, क्योंकि मेन जाएगा अब डेड मोड में, राइट। तो मेन के डेड मोड में जाने के पहले आपको ये देखना है कि क्या कोई थ्रेड अभी है जिसका एग्जीक्यूशन बाकी है, तो वो देखेगा यस M1 थ्रेड अभी है जिसका एग्जीक्यूशन अभी बाकी है, तो वहां पर क्या करेगा, वो अपने आप को यहां पे रोक देगा
ठीक है, मतलब यहां से आपका प्रोग्राम हॉल्ट मोड में चले जाएगा, मेन आपका हॉल्ट मोड में जाएगा, लेकिन किस मोड में, मतलब मेन रुकेगा कब तक, जब तक कि माय थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेती है। तो यहां पर आप सुनना, जैसे ही मेन का क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, आपकी जो माय थ्रेड है वो शुरू हो जाएगी डिफॉल्ट ज्वाइन मोड में चलना। ज्वाइन मोड का मतलब ये होता है कि ऑल द थ्रेड विल वेट अंटिल दिस थ्रेड इज नॉट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन। तो यहां पर क्या हुआ, सुनना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, जैसे ही मेन का कर्ली ब्रैकेट आएगा, मेन का यह कहना है मुझे अभी M1 के लिए रुकना है, तो वो क्या करेगा, M1 को, आपकी एप्लीकेशन क्या करेगी, M1 को ज्वाइन मोड में स्टार्ट कर देगी। और M1 अगर ज्वाइन मोड में चल रहा है, मतलब अब बाकी थ्रेड को रुकना है, तो दूसरी बची कौन, मेन ही बची है ना, तो मेन रुकेगा तब तक जब तक कि ये मेन माई थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेती। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट ज्वाइन मोड। डिफॉल्ट ज्वाइन मोड का मतलब यही कहलाता है। अरे बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय एक्सप्लिसिट ज्वाइन मोड, व्हाट इज डिफॉल्ट ज्वाइन मोड। आप जब देखेंगे ना हमारे कोर्स में, मैंने बहुत एग्जांपल के साथ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। इसको कहते हैं डिफॉल्ट ज्वाइन मोड, कि मेन रुकेगा और ये थ्रेड ज्वाइन मोड में चलना शुरू हो गई। अगर आप मान लीजिए यहां पर यह लिख देते हैं एम वन डॉट ज्वाइन, ये कहलाता है एक्सप्लिसिट ज्वाइन मोड, कि आपने M1 को बोल दिया कि भैया आपको ज्वाइन मोड में चलना है, मतलब मेन को रुकना है, तो मेन यहां पे ना रुक के यहीं पे रुक जाएगा, समझना, मतलब अगर आपने ज्वाइन नहीं लिखा तो भी मेन रुकेगा और M1 ज्वाइन मोड में शुरू हो जाएगी, लेकिन वो डिफॉल्ट था, आपने नहीं लिखा, लेकिन अगर आपने लिख दिया M1 डॉट ज्वाइन, इसका मतलब है यहीं से अब M1 ज्वाइन मोड में शुरू हो गई है, मतलब अब आपकी थ्रेड रुकेगी, और कब तक रुकेगी, जब तक माय थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेती। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा 1, 2, 3, 4 से लेके 10, वन बाय वन एक एक नंबर आपके सामने प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि जब मेन थ्रेड यहां पे आई, देखो आप, जैसे ही क्या हुआ, रनिंग में मेन थी, मेन को आपने बोल दिया आपको रुकना है क्योंकि M1 ज्वाइन मोड में, तो जैसे ही रनिंग मोड खाली हुआ M1 आ गया और M1 ने अपना एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया। ये M1 रनिंग से हॉल्ट में गया हर एक सेकंड के बाद, तो ये M1 इस तरीके से अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, फिर जब M1 डेड मोड में जाएगा तब मेन अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ अ थ्रेड, की थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन किस तरीके से परफॉर्म करती है। और आप देखिए, इस पूरे टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली आप यहां समझ लीजिए, मैं प्रैक्टिकली आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि ज्वाइन मोड किस तरीके से एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये टॉपिक थ्योरेटिकल से ज्यादा आपको प्रैक्टिकल वे में बेटर समझ में आएगा। तो आई होप अभी थ्रेड की लाइफ साइकिल आपको समझ में आई है, ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड आपको ये बात समझ में आई है, बट बिलीव मी देयर आर लॉट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन, अगेन मैं आपसे बोल रहा हूं, और ये कोई मैं कोर्स प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूं, या मैं आपको बिल्कुल ही एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बॉस, उस कोर्स में आपको मल्टी थ्रेडिंग में वाकई में जो टॉपिक मिलने वाले हैं, यू कैन नॉट बिलीव दैट कि क्या टॉपिक्स वहां पर हम लोगों ने कवर किए हुए हैं। इट इज नॉट जस्ट अ प्रमोशन ऑफ द कोर्स, इट इज रियलिटी, और उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि व्हाई स्टूडेंट्स क्लियर टॉप एमएनसीज आफ्टर लर्निंग दैट कोर्स, कि उस कोर्स को करने के बाद क्यों स्टूडेंट्स टॉप मोस्ट एमएनसीज तक पहुंचे हैं, राइट। तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बात ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।